नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले 61 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई। सीएम धामी ने सचिवालय में 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बुजुर्गों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन वितरित की। इसके साथ ही सीएम धामी ने 59 साल 6 महीने की उम्र पूरी कर चुके वृद्धाजनों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की छूट दे दी है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 साल की उम्र पूरा करते ही प्रदेश के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 महीने की उम्र पूरा करने के बाद ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस महीने आवेदक की उम्र 60 साल पूरी होगी, उसी महीने के अंत से आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था को आसान बनाने से अब वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उधर उत्तराखंड के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की मांग को लेकर गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उधर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टीचिंग एसोसिएशन समेत कर्मचारी संघ ने स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। 1 महीने से बिना कुलपति के संचालित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पटरी से उतरने लगी हैं। इस संबंध में गढ़वाल सांसद बलूनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र से मुलाकात कर गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति का आग्रह किया है। वहीं उत्तराखंड युवा कांग्रेस का सचिवालय घेराव आज है और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये घेराव होगा। रेंजर्स ग्राउंड में युवा एकत्रित होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय के लिए रवाना होंगे और नशा नहीं नौकरी दो के नारे के साथ युवा कांग्रेस ये घेराव करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में ये घेराव होगा। रेंजर्स ग्राउंड में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय के लिए कांग्रेसी रवाना होंगे। नशा नहीं नौकरी दो के नारे के साथ युवा कांग्रेस ये घेराव करने निकलेगी। उत्तराखंड युवा कांग्रेस का सचिवालय घेराव का आज प्लान है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आज सचिवालय घेराव किया जाना है, उसको लेकर रेंजर्स ग्राउंड में ये जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित होंगे और नशा नहीं नौकरी दो के नारे के साथ सचिवालय का घेराव करने की तैयारी है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सहल, आज लगभग 12 बजे जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदयमान, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम का आह्वान यहां पर किया गया है और जिसमें कि जो कार्यक्रम है वो रेंजर ग्राउंड में सभी जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होंगे। उसके बाद सचिवालय तक यहाँ पर एक रैली यहाँ पर निकाली जाएगी और उस रैली का जो नारा होगा वो नशा नहीं नौकरी दो के साथ ही नारा यहाँ पर निकाला जाएगा। प्रदेश में जिस तरह से तमाम जो युवा हैं वो इसमें रोजगार के लिए रोजगार को लेकर के अन्य जगहों पर जा रहे हैं और जो लोग हैं उनकी मांग भी है कि जो जहाँ पर जो जो सरकारी जो जो सीट है वो रिक्त जो समय चल रही है उन पर यहाँ पर भर्तियां हो सके, तो उस तरफ भी लगातार जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर आज होने वाला है। प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है युवा कांग्रेस उत्तराखंड की तरफ से। यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है जो आज सचिवालय के लिए भी यहाँ से रेंजर गांव से रवाना होगी। जी चलिए हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, स्कूली बच्चों की शैक्षिक यात्रा के लिए SOP जारी की गई है। शिक्षा महानिदेशक ने अधिकारियों को अलर्ट किया है, स्कूली बच्चों की यात्राओं में सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा के दौरान हर बच्चे के मेडिकल हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। छात्र छात्राओं को नदी नालों से दूर रखने की हिदायत दी गई है, उनकी सुरक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता हो ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर हरिद्वार की जुर्स कंट्री सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने DM कमेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई।
महिलाओं का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। महिलाओं ने बताया कि कुत्ते आए दिन कॉलोनी में घूमते रहते हैं और कई बार बच्चों को काट भी चुके हैं। इस बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। डीएम कमेंद्र सिंह ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश भी दिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाता है। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता, हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फैमिलीज को कटवाते रहेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है, खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है, तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दिए मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं? और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे इतने सारे कुत्ते। तो 15 दिसंबर को रुड़की बीजी और कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 51,021 किलोमीटर दौड़ में लगभग 5,000 से अधिक लोग प्रतिभाग करेंगे। वहीं प्रथम स्थान पर रहने वाले विजेता को 50,000 का इनाम और ट्रॉफी भी दी जाएगी। 11 कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO सभी आयु के लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। वहीं मैराथन दौड़ BEG ग्राउंड से पिरान कलियर तक आयोजित की जाएगी। मैराथन 3 कैटेगरी में रहेगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन है हमारी, और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए के हमने प्राइजेस रखे हैं इसमें। इसमें आपका सीनियर सिटीजन की अलग कैटेगरी है, मेल और फीमेल की अलग कैटेगरी है। हैंडीकैप जो आएगा उसका भी हम फैसिलिटेट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन आएगा उसको भी फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी यू कोशिश रहेगी कि हम 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें जोड़ पाएँ, क्योंकि 4,000 का क्राइटेरिया हमारा पिछली बार का। ये BEG के परेड ग्राउंड से शुरू होकर कलियर तक और वापस कलियर से BEG। अग्निवीर भर्ती जो है वो ज़रूर की जा रही है और उसके बारे में काफ़ी बैठक हुई जॉइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक भर्ती चलेगी। 1500 लोग पर डे आएंगे, उसको लेकर जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ ज़रूरत है, चाहे वाटर का टैंकर हो या फायर की गाड़ी हो, सेसपूल हो, हमारी फॉगिंग मशीन हो, कर्मचारी हो, वो सारे के सारे सभी विभाग हर एक से जितना कोऑपरेशन हो रहा है सब लोग कर रहे हैं। तो हरिद्वार तहसील में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान डीएम के जनता दरबार में कुल 40 शिकायतें दर्ज की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कुछ मामलों में लापरवाही उजागर होने पर डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के सामने रखी। डीएम ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द कार्रवाई होगी। खासतौर पर राजस्व की, पुलिस की, जल निगम, जल संस्थान और नगर निगम, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई। कुछ चकलों से संबंधित, नालियों से संबंधित, मकानों के कब्जे से संबंधित, ODF से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, एक डाक बाइट की शिकायत भी। तो कॉर्बेट नगरी के रामनगर विधानसभा विश्व प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर में बीते दिनों आई बाढ़ के चलते मंदिर के टीले पर दरारें आ गई थी, जिसके बाद शासन ने सिंचाई विभाग द्वारा प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो किया। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां गर्जिया देवी हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करती है। मां गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि मां गर्जिया देवी मंदिर के पहले चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, उम्मीद है कि जल्द दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, कार्य जल्द होने की उम्मीद। पहले चढ़ का तो काम यहाँ पे हो गया जो विशेष था, बहुत जरूरी था, अभी शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी माँ भगवती के यहाँ ये इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा।
यही उम्मीद है शासन को अभी दोबारा से प्रस्ताव बढ़ा के भेजा गया है। पिछला प्रस्ताव कम था और उसमें थोड़ा काम हुआ था, उसके बाद एक्सटेंड कर दिए। उधर हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर वर्षों से फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। उनका आरोप था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और अचानक उनके निर्माण तोड़ दिए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बैरागी कैंप की ये भूमि साधु संतों और कुंभ मेले की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ और अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए थे। प्रशासन ने एक सिरे से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद प्रभावित लोग प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं और आगे न्याय की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पे मेला लगे, कुंभ लगे, तो इसका उपयोग किया जा सके। तो आबकारी विभाग और प्रवर्तन दल के मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। आबकारी टीम को सूचना मिली कि ग्राम बिधौली का एक व्यक्ति हरियाणा ब्रांड की शराब कम दाम में बेच रहा है। आबकारी और प्रवर्तन दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम बिधौली में दबिश के दौरान उक्त, आपको बता दें कि व्यक्ति के घर से 7 पेटी, 2 बोतल लूज, कुल 86 बोतल विदेशी शराब और समुद्र पार आयातित मदिरा बरामद की। इस कार्रवाई में आबकारी टीम ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। आबकारी विभाग ने उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अभियुक्त के द्वारा चंडीगढ़ शहर से सस्ते दामों में शराब लाकर देहरादून शहर में अधिक मूल्य पर बेची जाती थी। तो SSP देहरादून द्वारा शुरू की गई नवीन पहल के तहत जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, विशेषकर युवा वर्ग के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है, जिसमें बिना हेलमेट के 156, रैश ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग में 10, यातायात नियमों का उल्लंघन 98 लोगों के चालान काटे गए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब अभिभावकों को भी समझाने के लिए प्रेरित करने का अभियान शुरू कर दिया है। अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर SSP अजय सिंह उतरे हैं। पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित कर रही है। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत करते हुए SSP ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से वार्ता कर उन्हें उनके ननिहालों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपने जीवन को खतरे में डालने की जानकारी देकर अपने स्तर से भी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात व्यवस्था में सबसे जो अभी देखा गया विगत दिनों कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए यूथ के जो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग को लेकर थे, उसको तो चालान की कार्रवाई तो इन्फोर्समेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। देखा जाए 1200 से ज़्यादा लोग का ड्रंकर ड्राइविंग में चालान अभी बात हमने कुछ महीनों में किया है, लेकिन इसके बाद भी उतना इफेक्ट यूथ में नहीं आ रहा था। इसको देखते हुए एक नई पहल सोची गई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको भी जानकारी मिले कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के या रैश ड्राइविंग करते हुए या ड्रंकर ड्राइविंग में पाया गया। तो चालान की कार्रवाई के साथ साथ मौके पर अब जो चालानकर्ता अधिकारी हैं उनके पेरेंट्स से चाहे फादर गार्जियन जो भी हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आपका बेटा जो है इन परिस्थितियों में यहाँ पर उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो उसकी जान के लिए भी घातक है, साथ ही साथ वो अन्य के लिए भी घातक है। और ये रिस्पॉन्स का बहुत पॉजिटिव आया। कल 329 पेरेंट्स से बात की गई पूरे इसमें चालान के बाद, और सभी में मोस्टली लोग कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के घूम रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है या ड्रंकर ड्राइविंग में पकड़ा गया है। उधर हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे पत्नी पर शक को वजह बताया जा रहा है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज चुकी है। दरअसल कनकल के गौरव विहार
जमालपुर कलां इलाके में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर सुरेंद्र यादव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर बंद कर फरार होने का प्रयास किया। दोपहर में जब उनके बेटे और बेटी स्कूल से लौटे तब घर के अंदर मां का शव देखकर इस खौफनाक घटना का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था, जिससे उनके बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ, जो इस दर्दनाक वारदात में बदल गया। पुलिस ने आरोपी को तकनीकी और मैनुअल जांच के जरिए पटना से गिरफ्तार किया। हत्या के इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। 4 नवंबर को थाना कनखल में जमालपुर कला जो एरिया है वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो पत्नी है उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस वहाँ पहुँची थी मौके पर तो उस समय अभियुक्त तो वहाँ से फरार था और जो मृतका है वो वहीं घर में थी, उसके 2 बच्चे भी वहाँ थे। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो ये बात संज्ञान में आई कि जो मृतका लक्ष्मी है उसका अपने पति से विवाद चल रहा था सुरेंद्र यादव, और वो विवाद सिर्फ इस बात को लेकर था कि जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी को जो उसके काम करने जो वो बाहर जाती थी उसको लेके उससे जलन भी रखता था और उसको लेके उसके घर में आए दिन विवाद भी होता था, उस पर शक भी वो करता था। ये इन तथ्यों को जुटाते हुए पुलिस के द्वारा जब इसमें आगे की जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये बात भी संज्ञान में आई कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता है और अपनी लोकेशन भी लगातार बदलता रहा है, क्योंकि मामले में काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का यह मामला था। हत्या में बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या बिल्कुल बहुत रिहाइश एरिया में की गई थी, इसलिए लोगों का एक काफ़ी इसको लेकर सेंटिमेंट्स भी थे। तो उधम सिंह नगर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गौ तस्कर गौकशी कर मांस को बेचने के लिए जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गौ तस्कर का पीछा किया तो तस्कर जंगल की तरफ भागने लगे। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में CHC किच्छा में भर्ती कराया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद तस्कर को रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद SSP मणिकांत मिश्रा ने CHC पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली और घायल तस्कर से पूछताछ की। वहीं पुलिस ने तस्कर तस्लीम के पास से 20 किलोग्राम गौमांस, एक अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार।